हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक। तो गाइस यार, आज के एग्ज़ाम के बाद छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और छात्रों ने आज एग्ज़ाम में कैसे चीटिंग किया सब कुछ बहुत ही फास्ट वे में कवर करने वाला हूं। आपका टाइम नहीं लूंगा, 4 से 5 मिनट में सब कुछ कवर कर दूँ। साथ ही आज के एग्ज़ाम का जो डराने वाला रिव्यू है, जहाँ गाइस जो चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियर बताने वाला हूं कि रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड है सभी छात्रों के लिए। क्या आज का एग्ज़ाम रहा है सब कुछ बताऊँगा, एक साथ कवर करूँगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि छात्रों ने एग्जाम में चीटिंग कैसे किया। तो गाइज वही चीटिंग का पुराना मेथड जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड में रहा, लैपटॉप है। लैपटॉप के यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान शेयर करने का। और मोबाइल यहाँ पे रख के या फिर साइड में मोबाइल रख के छात्रों ने कुछ इस प्रकार से चीटिंग किया है। अब चलिए बात करते हैं मोबाइल से। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोबाइल को इस जगह ऐसा टेबल पे रखा कि नीचे एक दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपर आई कांटेक्ट बना हुआ है स्क्रीन से, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। और ऐसे में छात्र काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हैं इस शूटिंग के माध्यम से। अब चलिए बात करते हैं, कई सारे और पैतरे हैं, कुछ छात्रों को डाउट भी है, उन चीज़ों को भी कवर करूंगा वीडियो में कंटिन्यू। सब बस साथ में बने रहना। आज के एग्ज़ाम के बाद छात्रों का डरावने वाला रिव्यू चाहिए। गाइस सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, एग्ज़ाम ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। लास्ट के 15-20 मिनट में एग्ज़ाम ऑटो सबमिट हो जा रहा है, बीच में एग्ज़ाम मनमानी पॉज कर दिया जा रहा है, 25 वार्निंग का लिमिटेशन है, 35 वार्निंग मिल रहा है। छात्रों को डर है कि कहीं UFM ना लग जाए। तो देखिए, डाउट नहीं रहना चाहिए कि 25-30 वार्निंग एक साथ आ गया तो UFM लग जाएगा। अब आप ही सोचिए कि अगर आप जो गलती करेंगे तब आपको एक वार्निंग दिया जाएगा, 25-30 वार्निंग के साथ फ्लैश कैसे हो सकते हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। बाकी का एक चीज़ और, आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इस पर हम लोग को ट्विटर पे ट्वीट करना चाहिए या फिर किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, किस पे आवाज़ उठानी चाहिए, आप अपनी राय जो है उसको कमेंट में थोप सकते हैं। तो चलिए गाइस, क्या कुछ चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। और बड़ी खुशखबरी ये है कि छात्र चीटिंग जो है वो कर पा रहे हैं। और बैड न्यूज़ ये है कि चीटिंग जब कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, मनमानी कुछ छात्रों को जो बेचारे नहीं हो चीटिंग कर रहे हैं उनको भी मनमानी वार्निंग मिल जा रही है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि छात्रों में थोड़ा सा डर बना हुआ है। जो छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो दे चुके हैं उनके तो बल्ले बल्ले हैं, जो दे रहे हैं वो रो रहे हैं और जो आने वाले हैं वो तो भाई टेंशन में है, सदमे में है कि हमारा क्या होगा। पढ़ा तो कोई है नहीं, ना आप पढ़े हैं ना हम पढ़े हैं, तो हर कोई तो बस चीटिंग के ही सहारे है ना। तो जो भी चीज़ें होंगी आपको टाइम टू टाइम देखिए, प्रकाश एजुटेक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इधर वो दोपहर वाली वीडियो के माध्यम से हो या फिर शाम वाली वीडियो के माध्यम से। अब एक काम कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आप लोग यार ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और आज का ये ट्वीट भी कैंसिल किया जाएगा, अगर आप लोग रिस्पांस वीडियो पे अच्छा नहीं दे रहे हैं इसलिए ट्वीट सारे कैंसिल करूँगा जब तक आप लोग के रिस्पांस नहीं आएंगे। सभी लोग 10-10 लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, तभी अगला वीडियो आएगा, अगला ट्वीट करूँगा। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बी रेडी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कमेंट आप लोगों की तरफ से आया है। मैं जानता हूँ कि 2 मिलियन इस फील्ड में अचीव करना थोड़ा सा कठिन काम है, इम्पॉसिबल टाइप का है, लेकिन थैंक यू टू अमेजिंग फैक्ट जिन्होंने कहा कि थैंक यू सर, आई विश योर चैनल अचीव 2 मिलियन सब्सक्राइबर। और यहाँ पे शिवम भाई ने कहा कि इतना ज़्यादा मतलब बच्चे भी नहीं पढ़ते क्रिकेट में, रियलिटी है। बाकी मुझे 2 मिलियन नहीं चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। जल्दी से 20,000 डकवा दो, फिर उसके बाद जो टारगेट होगा बताऊँगा आपको। यहाँ से देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। क्रिस भाई का अच्छा कमेंट, उसके साथ ही मोहित गर्ग का, सर एग्ज़ाम में जो AKTU की साइट पर MCQ अपलोड हैं उसमें भी लग रहा है क्या? जी अपलोड है उनमें से भी लग रहा है क्या? जी बिल्कुल, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप यार ऐसा कमेंट आप लोग करते हैं कि एक बार नहीं दो बार पढ़ना पड़ता है। DRX बंटी यादव जी का कहना है कि ब्रो AKTU के बी फार्मेसी फाइनल ईयर के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो कब तक हो जाएंगे? तो देखिए प्रैक्टिकल्स कब तक हो जाएंगे, इसका एक 15 सितंबर के पहले आप सभी के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाने हैं। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब से प्रैक्टिकल कराएंगे। उम्मीद है कि फाइनल ईयर का जिन छात्रों का एग्ज़ाम बीत चुका है उनका जो भी मतलब प्रैक्टिकल है वो 20 अगस्त के पहले ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और NEET का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए।
भाई आप बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी संजय भाई हैं, संजय सोनकर जी, इनका क्या कहना है कि भाई अगर 90+ मार्क्स आएगा तो उसके लिए क्या इंटरव्यू होगा? जी बिल्कुल नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। आप 90 नहीं, आप 100 out of 100 ला दीजिए। ना इंटरव्यू होने वाला है, ना ही आपका वीडियो चेक होगा। किसी भी प्रकार का संशय या डाउट मन में नहीं पालिए, झोंक के एग्ज़ाम दीजिए। बस शूटिंग कैमरा में कुछ ऐसा ना हो कि यूफ्रेम लग जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचाना है, बिल्कुल नहीं डरना है। ताबिश शर्मा का कहना है कि हेलो भाई, भाई यार 6 को मैंने एग्ज़ाम दिया था कंप्यूटर नेटवर्क का, साइट में दिक्कत के कारण इनका जो एग्ज़ाम था वो 2 बजे लॉगिन था, इसके कारण मेरा एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूं? देखिए अगर आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आप दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। जब दोबारा एग्ज़ाम होगा आप दे सकते हैं। अब एक्यूटिव इस बात को भली भांति जानता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो टोटली फेल है, छात्र सेटिस्फाइड नहीं है फुली, तो ऐसे में आप लोग दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिएगा। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले कमेंट की। और रजत सिंह का कहना है कि सर मेरा CSS एग्ज़ाम था 9:30 से, बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि एग्ज़ाम दोबारा जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गया है फर्स्ट शेड्यूल में। मैंने नेट से सारे क्वेश्चन कर दिया 50 out of 50, तो सर कुछ कदबद तो नहीं होगी ना, क्योंकि मैनेजमेंट का था तो मैंने सारे नेट से कर दिए। जी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है इनका? रजत जी। रजत भाई अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। जितने भी छात्र देख रहे हैं, अगर अब छात्रों में थोड़ा सा डर तो रहता है, तो आप लोग क्या काम कीजिए, 48 to 49 सही कीजिए, और जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड हो उसी से चीटिंग के थ्रू 50 out of 50 कीजिए। बाकी कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा कि आप 50 में 51 सही कर दीजिए, एक मेरा भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से बीता है, बखूबी सब कुछ बीत चुका है, छात्रों में डर नहीं है। बाकी का रिव्यू थोड़ा सा सैड था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं छात्रों में, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान है, चीटिंग हो रही है। जो चीटिंग की आपके भाई ने ट्रिक बताया उनको आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग के कमेंट जो है वो देख के अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर यूज़फुल हो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 150, जल्दी ही आप लोग कर देंगे। और एक काम और कीजिएगा, इस वीडियो को 10 लोगों के पास कम से कम शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, ऐसी गलती मत कीजिए, नीचे लाल बटन है ठोक दो उसको और तोड़ दो। उसके बाद चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।